दम पे करूं। दम पे करूं, अपने दम पे, पति के दम पे नहीं? नहीं, अपने दम पे, क्योंकि मेरा नाम ही ऐसा है, दुर्गावती कुमार। दुर्गावती का मतलब होता है एक दुर्गा। दुर्गा का अवतार ले लिए हैं दुर्गावती कुशवाहा। कुमार का मतलब होता है कुमार, का मतलब कुमार जेंस में लगता है, और मेरा नाम ही कुमार है, तो मैं दोनों का काम करूँ। ये टमटम की सवारी और टमटम की सवारी पे हम मेयर प्रत्याशी दुर्गावती कुशवाहा के साथ आपको दिखा रहे हैं। चिंगारा नरक निगम, नगर निगम इसीलिए हम नहीं कहते हैं इसको, क्योंकि यही स्थिति है, दुर्दशा है, जिसको सुधारना है, जिसको परिवर्तन करना है। ये सब बदलाव होगा, रोड पे तो कचरा गिरा हुआ है, बताइए आपके बगल में। हिंदू को जिताना है तो आई एम दुर्गा, हम ही को जिताइए। कि दो ही समाज ऐसा है जो कि एक प्रत्याशी उतारा है, एक कुशवाहा समाज और दूसरा मुसलमान समाज, क्या रणनीति है भाई आप लोगों की? ग्रीन शौचालय होना चाहिए, क्योंकि महिलाएं, जाति और धर्म में बांटा जा रहा है इस बार नगर निगम का चुनाव को। आप कैसे देख रहे हैं जाति धर्म को, और आप क्या कहिएगा इस समाज के लोग को, आपको कैसे वोट मिलेगा? आप ये भी कैसे उम्मीद रखते हैं कि कुशवाहा जो है वो सब समाज जो है आपको वोटे कर देगा? पैम्पलेट में सिर्फ और सिर्फ इनका फोटो दिखेगा, इनके पति गायब है, इनके पति की तलाश पूरे आरा वासियों की को है। और बग्घी के साथ सवारी कैसे कर रही है, आज बग्घी निकाल दी है आपने, बग्घी पे बैठ गई है। बिहार के अभी हमारा में है तस्वीर, देखिए बिहार में नगर निकाय चुनाव चल रहा है, माहौल देखिए, ये है चुनाव का माहौल। और तस्वीर में जो प्रत्याशी है उनको छाप जो मिला है वो टमटम छाप मिला है, और ये अंदाज है आरा नगर निगम में प्रचार का, दुर्गावती कुमार उर्फ दुर्गावती कुशवाहा का। तो देखिए कई सारे लोग हैं इनके साथ, और ये पूरा आरा में ऐसे ही घूम रही हैं, टमटम के साथ टमटम की सवारी कर रही हैं। तो हम भी सोचे कि आप सभी से रूबरू कराते हैं ये प्रत्याशी से, कि आखिर ये प्रत्याशी कैसी है, मेयर पति के कतना साथ मिला था, या मेयर खुद बनी हन तो आरा पे खुद काम करी हन, सब चीज बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत, मैं रैना सिंह। चलिए बात करते हैं दुर्गावती कुशवाहा के साथ, इस टमटम की सवारी के साथ। चेतक नाम बताया इन लोगों ने, दुर्गावती कुशवाहा है। देखिए भीड़, कई सारे लोग नारेबाजी कर रहे हैं, मैडम से बात करते हैं। मैडम कैसा लग रहा है इस बार, क्या चुनाव कैसे देख रही हैं आप? मैडम चुनाव बहुत अच्छा है, पहले तो मैं आशा एक भारत को मैं बहुत तहे दिल से मानती हूँ, बहुत अच्छा हमारा फेवरेट चैनल है, मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी, और आरा नगर निगम को मैं एक मतलब इतने हमारे 2.5 लाख के करीब जनसंख्या जो है, उस जनसंख्या में हमारा आरा नगर निगम आता है, हमारा नगर निगम में इतना सारे काम है, इतना सारे काम है जो कि बिल्कुल यहाँ पर नगण्य है, नहीं होते हैं। और मैं चाहती हूँ कि आरा नगर निगम के जितने कार्य हैं उसको मैं अपने दम पे करूँ। दम पे करूँ, अपने दम पे, पति के दम पे नहीं? नहीं, अपने दम पे, क्योंकि मेरा नाम ही ऐसा है, दुर्गावती कुमार। दुर्गावती का मतलब होता है एक दुर्गा। दुर्गा का अवतार ले लिए हैं दुर्गावती कुशवाहा। कुमार का मतलब होता है कुमार, का मतलब कुमार जेंस में लगता है, और मेरा नाम ही कुमार है, तो मैं दोनों का काम करती हूँ जी। मतलब भगवान दुर्गा का अवतार, और दूसरा जो पुरुष करते हैं उससे कम नहीं करती है। जी जी, उससे कम नहीं है मेरा। अच्छा, एक सवाल है, कई सारे लोग कह रहे हैं कि दुर्गावती कुशवाहा जो हैं वो टमटम की सवारी कर रहे हैं, लोग मुस्कुरा रहे हैं आपको देख के। देखिए दिखाइए, कई सारे लोग इनको देखते हुए भी जा रहे हैं, उन लोगों को भी दिखाइए कैसे मुस्कुराते हुए। अभी हम लोग पकड़ी चौक पे हैं और लोग मुस्कुराते हुए इनको अभिनंदन कर रहे हैं, और एक अनोखा प्रचार का तरीका है भैया ये, टमटम की सवारी और टमटम की सवारी पे हम मेयर प्रत्याशी दुर्गावती कुशवाहा के साथ आपको दिखा रहे हैं। चेतक हैं जो चल रहे हैं, और यहाँ पे देखिए भीड़ कैसे लगा हुआ है, लोग कैसे इनको देखने के लिए रुक रहे हैं। मैडम कई सारे सवाल जो हैं वो अब हम पूछेंगे आपसे, कुछ कड़वे सवाल भी हैं। अच्छा ये बताइए कि कई सारे लोग बोल रहे हैं कि दो ही, माने चर्चा चल रहा है लोगों के बीच में कि दो ही समाज ऐसा है जो कि एक प्रत्याशी उतारा है, एक कुशवाहा समाज और दूसरा मुसलमान समाज, क्या रणनीति है भाई आप लोगों की? लोग कह रहा है कि मुसलमान समाज जो है एक प्रत्याशी, कुशवाहा समाज एक प्रत्याशी, बाकी यादव हो, चाहे गुप्ता हो, चाहे कई सारे अन्य जाते हों, वो तीन चार दो तीन उतार रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर हम अपने कुशवाहा समाज में अकेले खड़े हैं,
इसलिए कि हमारा समाज एकजुट हो, हम अपने समाज में एक मेयर बन करके समरस समाज को एकजुट करने के लिए यहाँ पर हम उतरे हुए हैं। मतलब आप समाज से उतरिए, समाज के लोगों ने आपका आपको आशीर्वाद दिया है, सिंगल आपको आशीर्वाद दिया, लेकिन जब आप जीत के आइएगा तो पूरे आरा के समाज को एकजुट कर दीजिएगा। करना है जी, जी बिल्कुल, यही हमारा मंशा है। और विकास किस तरीके से करिए? विकास अपना जो यहाँ संविधानिक नियमावली होता है उसके हिसाब से बहुत सारे काम है, उंगली पर गिनाएगा नहीं। जैसे सर बताइए जो कि मैंने लोग जाने कि विकास का क्या क्या आप सबसे हमारे जो रोड है, बहुत सारा रोड है वहाँ पर बहुत कार्य नहीं हुआ है, उसका नली का। और यहाँ पर जो महिलाओं को खास करके ग्रीन शौचालय होना चाहिए, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो शौचालय नहीं होता है और उन लोग को जो यूनिट पास नहीं कर पाती है उनके चलते उनको एक से एक बीमारी होता है, यहाँ तक कि उनका मौत तक हो जाता है। सही बात बोला आपने। सबसे कारण है कि हमारे आरा शहर में ऐसा व्यवस्था ही नहीं है, खास करके महिलाओं के लिए, बहु बेटियों के लिए। तो ये हमारा पहला प्राथमिकता रहेगा। दूसरा प्राथमिकता है कि हमारे महिलाओं के लिए सर्वे, जहाँ जहाँ कॉलेज हो, स्कूल हो, जहाँ उनको लिए मतलब सुरक्षा के दृष्टि से हमको हर महिला पुलिसकर्मी वहाँ पर नियुक्त करना है जी। और ये देखिए ठेला लगा हुआ है, ठेला लगा हुआ है साइड में, संक्रमण होता है, इनको सुनिश्चित जगह पे हम लोग चाह रहे हैं, सुनिश्चित जगह पे इन लोगों को हम चिन्हित करेंगे जगह, और वहाँ पर इन लोगों के अलग से व्यवस्था किया जाएगा कि जो अच्छा से आराम से खरीदने वाला के भी दिक्कत ना हो और बेचने वाले को भी दिक्कत ना हो, क्योंकि आए दिन एक जगह सुरक्षित हो जाते हैं जी। इससे हम लोग का लिए दिक्कत है, बहुत सारा काम है, बोलते बोलते रात हो जाएंगे। तो मैं यही नम्र निवेदन है कि आरा के जनता इस पे सोचे और हमें वोट करे। अच्छा एक सवाल है, कई सारे लोग बोल रहे हैं कि वो आगे चल रही हैं, वो जात की वोटर जो है वो आगे चल रही हैं, या हिंदू समाज को आगे बढ़ाना है, हिंदू समाज को आगे जिताना है, ये कई सारे सोशल मीडिया पे चल रहे हैं कि हिंदू समाज से कोई जीते, कुछ मैंने जाति और धर्म में बांटा जा रहा है इस बार नगर निगम का चुनाव को। आप कैसे देख रहे हैं इस जाति धर्म को और आप क्या कहिएगा? देखिए जाति धर्म कुछ नहीं है, यहाँ पर भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार जो है, हम अपने ये जाति धर्म का तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर भ्रष्टाचार से हमारा लड़ाई है। हम चाहेंगे कि यहाँ का भ्रष्टाचार खत्म हो, और ये आगे वो आगे तो हमको नहीं लग रहा है कि कोई है। हमारा 36,000 वोट है आरा पूरे नगर निगम में, और हम चाहेंगे कि हमारे और अदर हमारे समाज के लोग हैं वो हमको वोट करेंगे, तो हमको लग रहा है कि हम निकल जाएंगे। कि यदि हिंदू को जिताना है तो आई एम दुर्गा, हम ही को जिताइए। तो हम पहले तो नंबर वन मैं हिंदू हूँ, बाद में कुशवाहा हूँ, तो हमें जिताइए, जिताया जाए। ये देखिए, हाँ ये स्थिति देखिए, आरा नरक निगम, इसे कहते हैं आरा नरक निगम, नगर निगम इसीलिए हम नहीं कहते हैं इसको, क्योंकि यही स्थिति है, दुर्दशा है, जिसको सुधारना है, जिसको परिवर्तन करना है, ये सब बदलाव होगा। रोड पे तो कचरा गिरा हुआ है, बताइए आपके बगल में, यही तो इसी सब को सुदृढ़ करना है। और ये बोल रहे थे आप पहले हम हिंदू हैं, दुर्गावती हैं, क्या कुछ? नहीं, बोल रहे हैं कि यदि आदमी चाह रहा है कि यहाँ पर हिंदू लीड करे, तो मैं तो पहले हिंदू हूँ, उसके बाद मैं कुशवाहा हूँ, तो हम ही को आप लोग क्यों नहीं आप हमारा समाज लीड करें। मैं सब समस्त मतलब हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, सिख ईसाई, सभी जाति धर्म के लोग हैं, सभी लोगों को मैं तो एक समान मानती हूँ और लेकर चलती हूँ जी। यहाँ पर कोई हमारा जान ही रहे, हमारा स्वच्छ सभी है ना, मैं कोई मतलब कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि मैं हम पे कुछ दाग है। तो मैं चाहूँगी कि हमें समर्थन दें लोग, आरा नगर निगम हमको अपना हाथों को हमारे मजबूत करें और हमारे नगर निगम के कुर्सी पर बैठाए जी। बिल्कुल, कई सारे सवाल हैं, सवाल ये भी है कि जनता क्यों आप पे भरोसा करे, आप के समाज के लोग को आपको कैसे वोट मिलेगा, आप ये भी कैसे उम्मीद रखते हैं कि कुशवाहा जो है वो सब समाज जो है आपको वोटे कर देगा? देखिए हमारा समाज खुद हमको मतलब यहाँ आशीर्वाद दे करके और क्षेत्र में मैदान में उतारा है, और हमारा भी मन बढ़ गया कि हमारा जब समाज बैक सपोर्ट कर रहा है तन मन धन से, तो बिल्कुल मतलब वोट देगा, हमारा समाज तो 100% देगा, इसमें कोई शक नहीं है।
और इस पे हमको लग रहा है कि अदर कास्ट भी हम पे, दोबारा हम दिखा दें कि यहाँ पे भी देखिए क्या स्थिति है आरा नगर निगम की। ये है आरा नगर निगम, रोड पे चलते ही खत्म नहीं हो रहा है, ये रोड पे गंदगी का अंबार जो है वो आपको दिखेगा। ये पौस इलाका है, आरा का पौस इलाका में से आता है, पकड़ी और रमना मैदान जज कोठी के बीच का इलाका है ये, और ये इलाका जो है इस तरीके से खराब है। तो ये सब सुधारिएगा, जीतिएगा तो बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बोलिए, हमको क्या पड़ी है समाज सेवा करने की, क्या पड़ी है? हमारे बिजनेस है, हमारे प्रेस है, प्लस में मैं एडवोकेट हूँ आरा सिविल कोर्ट के 24 नंबर टेबल पे, मैं तो जी खा लूँगी। लेकिन एक जनता द्वारा फर्स्ट बार इलेक्शन लड़ने का मौका मिला है, तो हम सोचे कि समाज भी हमको बोला कि आप सुटेबल हैं, काबिल हैं, आप खड़ा होइए, हम लोग समर्थन देंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर उतरे हुए हैं। और हम जाते हैं क्योंकि समाज सेवा भी करते हैं, तो हम हर एक बस्ती में, जैसे दलित बस्ती में जाते हैं, वहाँ पर इतना मतलब मत पूछिए, आँख में आंसू आ जाता है सोचने पर कि मैं वहाँ पर रहती तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। क्योंकि वहाँ पर अच्छा से व्यवस्था नहीं है, नली गली की सफाई नहीं, सुख सतरा मतलब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, आखिर क्या कारण है? और जगह देखिए सफाई होता है, लेकिन दलित बस्ती में बिल्कुल सफाई नहीं होती है। हम चाहेंगे कि हम यहाँ पर जीत कर जा रहे हैं, तो हम तो पहले भाई दलितों को समस्या को हल करने के लिए। भाई पतिदेव कहाँ हैं आप? पतिदेव खोज जारी है, मिलिए नहीं 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 होंगे कहीं। सब लोग पति के नाम को आगे कर रहा है। और एक चीज है, आपके पोस्टर में हमने देखा, देखिए रोशन जी ये पोस्टर थोड़ा दिखा दीजिएगा, तो ये पेम्पलेट है इनका, और इस पेम्पलेट पे आप देख लीजिए कि इस पेम्पलेट पे सिर्फ और सिर्फ इनका फोटो दिखेगा। इनके पति गायब हैं, इनके पति की तलाश पूरे आरा वासियों की को है कि सबके मेयर पति नज़र आते हैं पेम्पलेट पे, और इनके पेम्पलेट पे इनके पति देव ही गायब हैं। ये बताइए, ऐसा थोड़ी है कि हम अकेले लीड कर रही हैं, मैंने पेम्पलेट पे भी आप ही हैं। कहने का मतलब है अपने तजुर्बा हमारा है, कहीं भी कोई भी कार्य होता है मैं अकेले निकल पड़ती हूँ। अब पति ऐसा नहीं है, घर में पति है, बिजनेस संभालते हैं, उनको राजनीति से मतलब नहीं है, वो तो अपना बिजनेस है उनका, जो बिजनेस संभालते हैं उनको छोड़ दिए, अपना पैसा कमाइए और मैं अपने जनता को सेवा करूँ। अच्छा। बस यही हमारा ध्येय है, और मैं जनता से देखिए आशीर्वाद भी ले रही हूँ, तो आप लोग बस इतना ही हमारा आप लोग से नम्र निवेदन है कि हमको आप लोग सपोर्ट कीजिए, और आप लोग हमारा सोशल मीडिया के जरिए पूरा बिहार वासियों मतलब भोजपुर वासियों को आप लोग दिखाइए, बताइए कि हम भी हैं, क्योंकि दुर्गावती कुशवाहा भी जिंदा है। जी बिल्कुल, दुर्गावती कुमार कुशवाहा यहाँ पर पूरे क्षेत्र में उतर चुकी हैं। जी, और बग्घी के साथ सवारी कैसे कर रही है? आज बग्घी निकाल दी है आपने, बग्घी पे बैठ गई है, ये तो पुराना तरीका आपने ला दिया है। ये मैंने बिहार और देश जो है फोर व्हीलर पे घूम रहा है, और आप ये बग्घी पे निकल गई हैं प्रचार के लिए। ये हमारा चुनाव चिन्ह ही है। दूसरा बात कि इतना पॉल्यूशन हो गया है कि हमको लग रहा है कि 10-15 साल के बाद इसी पर चलना पड़ेगा, इसलिए कि इतना ना पॉल्यूशन हो जाएगा ना कि सांस लेना बंद हो जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, इसी को लाना पड़ेगा फिर से, तो इसको नहीं भूलना चाहिए, बहुत अच्छा चीज़ है। जी पहले हमारे दादा परदादा सभी लोग इसी पे चले पड़े हैं, तो ये भी इसको जिंदा रखना चाहिए, और बहुत अच्छा चीज़ है। जी, कोई पॉल्यूशन नहीं है। आपका चुनाव चिन्ह क्या है, और आप क्या अपील करेंगे, क्या कुछ कहिए? हमारा चुनाव चिन्ह है टमटम छाप, क्रम संख्या 5 है, और उस पर हमारे आरा के जनता जनार्दन से मैं अपील करूँगी कि आप लोग हमारे 5 नंबर पे, क्रम संख्या 5 पे, टमटम छाप पे अपने बहुमूल्य वोट को दे करके टमटम छाप बहुमत से जीतता है। यहाँ पे विकास नहीं हुआ है, और हमारी जो कैंडिडेट है वो विकास करने के ये इच्छुक है। जी, लेटरिंग जो है वो लगा हुआ है, लेकिन उसमें कोई मैंने उसमें साफ सुथरा नहीं दिख रहा है, देखिए कई सारे दरवाजा भी नहीं है। इस दिन उद्घाटन हुआ है, हमको लग रहा है उस दिन के अगले दिन से वो बंद पड़ा है। जी, आरा का पोल खोल रही है आप टमटम पर बैठ उस दिन से वो बंद है, क्योंकि हमको तो यहीं पर रहना है, इसी से यहीं पर पड़े बोले
पढ़ाई लिखाई सब यहीं से है, विश्वविद्यालय ये बिरकोर सिंह विश्वविद्यालय से। आपका क्वालिफिकेशन क्या है? हमारा एमए है और एलएलबी किए हुए हैं और एडवोकेट भी हैं सिविल आरा कोर्ट के जी। पहले तो था कि पैसा के दम पर लोग मेयर बन जाते थे, लेकिन आज जनता खुद चुन रही है, तो जनता तो अगली बार तो आपको ठेंगा दिखा देगी कि आप मैडम काम नहीं किए हैं ठेंगा। तो इसलिए हमको मतलब जितना बन पड़ेगा प्रयास रहेगा कि क्योंकि बहुत दिन से ही विकास पिछड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार भरा हुआ है, पेपरबाजी पर सारा पैसा खत्म हो जा रहा है, मतलब बड़े बड़े पेट में चला जा रहा है, हाथी के पेट में एक तरह से कहा जाए तो उस बिल्कुल हम सुदृढ़ करने के लिए कोशिश करेंगे। 5 नंबर है और ये टमटम छाप है और नीला बटन पर बटन टिप करके भारी मतों से विजयी बनाए, पूरे जनता से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन कर रही हूँ। 5 नंबर टमटम छाप और टमटम की सवारी कैसी लगी दुर्गावती कुमार कुशवाहा जी, जरूर बताइए। बहुत सारे लोग इनको देख रहे हैं और ये सारे लोगों का आशीर्वाद भी ले रही हैं। ये स्पेशल कवरेज हम दिखा रहे थे आपको, दुर्गावती कुमार उर्फ दुर्गावती कुशवाहा जो है वो चुनाव मैदान में है और इनकी सवारी जो है चेतक की सवारी, टमटम की सवारी और टमटम इनका चुनाव चिन्ह है, इसलिए ये टमटम के साथ ही निकल पड़ी अपने मतदाताओं के बीच में आशीर्वाद प्राप्त करने। तब तक हम मिल गए और हमने इनसे पूछना चालू कर दिया कि आखिर आप में क्या खास बात है। तो ये स्पेशल कवरेज जो देख रहे थे आप मेयर उम्मीदवारों का, जिसमें आज बारी था दुर्गावती कुशवाहा का और इन्होंने कहा कि हमारे समाज से 36,000 वोट है कुशवाहा समाज से, तो क्यों ना अगर यहाँ की जनता और जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं तो क्यों ना और सारे जो है हिंदू वो हमें मिलकर जिताएं, यानी कि पहले मैं हिंदू हूँ तब मैं किसी जाति और किसी वर्ग की हूँ और मैं अकेली लड़की हूँ, दुर्गा का अवतार हूँ और कुमार भी मेरे टाइटल में लगा हुआ है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि मैं जेंट्स की भली भांति काम कर सकती हूँ, मेरे आगे जो है जो भी काम आएगा मैं खुद अकेले सक्षम हूँ काम करने के लिए। तो ये दुर्गावती कुशवाहा का कहना है और इन्होंने कई सारे मुद्दे भी अपने गिनाए हैं कि क्या कुछ ये बदलाव लाएंगी, दलित बस्ती के बारे में ये बात करती हैं, फिर उसके बाद कूड़े कचड़े की बात करती हैं, आरा में किस तरीके से चौमुखी विकास हो, वो सारी बातें इन्होंने रखी है। अब आप भी बता दीजिए भैया, ये टमटम की सवारी आपको पसंद है? आरा वासियों को क्या लगता है, ये टमटम वाली दुर्गावती कुशवाहा जी इस बार जीत पाएंगी, आपकी मेयर बन पाएंगी? जरूर बताइएगा, आपके कमेंट बॉक्स का इंतजार रहेगा और आपका मेयर प्रत्याशी कौन पसंदीदा है ये भी जरूर बता दीजिएगा। जय हिंद जय बिहार, मैं रैना सिंह आशा एक भारत के लिए। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।